जो किसान सर्दी गर्मी और बरसात की फिक्र किए बगैर साल के 365 दिन खेत में पसीना बहाता है, जो किसान पूरे मुल्क का पेट भरता है, आज वही किसान अपने सीने पर गोली खा रहा है। अपने उपज के लिए सही कीमत की मांग करने सड़क पर उतरे किसानों पर फायरिंग के बाद सवाल ये कि आखिर रोटी देने वाले किसानों पर गोली क्यों। मध्य प्रदेश का किसान सूबे की शिवराज सरकार से पूछ रहा है कि आखिर अपना हक मांगने से उसे गोली क्यों मिली। मंदसौर में मंगलवार को हुई फायरिंग के खिलाफ आज पूरा मध्य प्रदेश बंद है। मंदसौर में मारे गए 18 साल के अभिषेक पाटीदार के शव को लेकर किसान सड़क पर उतरे। किसानों के बंद का असर पूरे मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है। कांग्रेस ने भी किसान संगठनों के बंद का समर्थन किया है, तो भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर जैसे बड़े शहरों समेत पूरे एमपी में दुकान और बाजार बंद है। मंदसौर में तनाव को देखते हुए रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है। यहाँ चप्पे चप्पे पर चाक चौबंद सुरक्षा की गई है। हालात और नहीं बिगड़े इसके लिए मंदसौर और आसपास के जिलों में इंटरनेट सर्विस को बैन कर दिया गया है। तनावपूर्ण हालात इस वक्त मंदसौर में, पूरा मध्य प्रदेश बंद है, जिसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। लेकिन बहुत अहम सवाल कि अपनी मांगों को लेकर अगर सड़क पर किसान उतरता है तो फिर क्या जवाब गोली से दिया जाएगा। तो मंदसौर और देश में किसानों के हालात पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ है। भोपाल से कांग्रेस नेता मुकेश नायक हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भोपाल से बीजेपी नेता प्रभात झा जी हमारे साथ है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नोएडा से किसान नेता दुष्यंत नागर हमारे साथ है चर्चा के लिए, आपका भी स्वागत है। और इस वक्त क्या कुछ रियालिटीज है ग्राउंड जीरो पर, जी मीडिया संवाददाता अखिलेश भी हमारे साथ होंगे, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले रिपोर्ट देखिए। किसानों का कोई 1 करोड़ का मोहल्ला थोड़ी नहीं होता है। हम 2 करोड़ दे दें उनको अगर ऐसा हो तो, सरकार को ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता है कि 1 करोड़ में किसान की जिंदगी ली जाए। मौत के गम में डूबा मंदसौर का किसान सवाल पूछ रहा है, क्या क्या हम कश्मीर के उन उपद्रवियों को किसानों की तुलना की जा रही है? क्या हम कश्मीर के जो उपद्रवी पत्थर फेंक रहे हैं, क्या उन पे गोलियां नहीं चलती है और हम अन्नदाताओं पे गोलियां चलती है? शिवराज के राज में सीने पर गोली खाने वाला किसान जवाब चाहता है। ये भीड़, ये गमजुदा लोग सवाल पूछ रहे हैं। सड़क पर उतरी ये भीड़ 18 साल के अभिषेक पाटीदार की मौत पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से जवाब मांग रही है। अन्नदाता ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर जो किसान देश का पेट भरता है उस पर फायरिंग क्यों हुई। मंदसौर में मंगलवार को किसानों पर हुई फायरिंग में 18 साल के अभिषेक पाटीदार की मौत हो गई थी। अभिषेक का शव जब उसके घर पहुंचा तो लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। अभिषेक के शव को लेकर नाराज किसान सड़क पर उतर आए। लोगों का आरोप था कि अभिषेक प्रदर्शन में शामिल नहीं था। गुस्सा है, और जो 17 साल का अभिषेक पाटीदार है जिसकी मौत के बाद जिसके शव के साथ प्रदर्शन किया जा रहा है, उसको लेकर जी मीडिया से जब किसानों ने बात की तो उन्होंने कहा था कि किससे अलग से ले जाकर उसको खींचा गया और उसको गोली मारी गई, तो गुस्सा उसको लेकर ज़्यादा है। 17 साल का ये बच्चा था जिसकी मौत हुई और उसके बाद किसानों का गुस्सा इस कदर है। मुख्यमंत्री को बुलाने की सीधी तौर पर मांग है, उसके अलावा किसी भी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। इसी मांग को लेकर कलेक्टर एसपी को वहाँ पर घेरा गया था। बामुश्किल कलेक्टर एसपी को यहां से निकाला गया। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बाद भी लोगों की भीड़ को रोकना मुमकिन नहीं था। पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और दूसरे जवान सड़क पर तैनात थे, लेकिन भीड़ का गुस्सा इन सभी पर भारी था। मंदसौर में डीएम किसानों से बात करने पहुंचे तो नाराज किसानों ने उनके साथ धक्का मुक्की की। जैसे तैसे डीएम और दूसरे अधिकारियों को मौके से निकाला गया। हम
देखिए इनको आश्वासन दिया है टीआई के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, है ना, और कोई भी आदेश नहीं था गोली चलाने का। मंदसौर में सोमवार को हुई फायरिंग के खिलाफ आज पूरा मध्य प्रदेश बंद है। किसान संगठनों के बंद को कांग्रेस का भी समर्थन है। मध्य प्रदेश में 15 साल से बीजेपी की सरकार है, 12 साल से ज्यादा वक्त हुए शिवराज सिंह चौहान सीएम हैं। ऐसे में विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि आखिर किसान बेहाल क्यों है। कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री जी से बहुत विनम्रता से पूछना चाहती है कि इन हालातों का जिम्मेदार कौन है। 13 सालों तक मध्य प्रदेश के किसानों को ठगने वाला नटवरलाल कौन है, इस बात का भी जवाब मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। सवाल सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं, सवाल सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, सवाल पूरे मुल्क का है। सवाल उस किसान का है जो इस शरीर को जला देने वाली गर्मी में सड़क पर उतरा है। सवाल उस अन्नदाता का है जो अपनी उपज के एवज में सही कीमत मांग रहा है। सवाल ये है कि आखिर रोटी देने वाले को गोली क्यों, किसानों की मौत का मुजरिम कौन। मंदसौर से अखिलेश सोलंकी और मनीष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।